जी हरियाणा में लगातार इसने 5 या 6 बार मैं आज तक लेके गया हूँ इसको, जी इसने कभी खाली हाथ नहीं भेजा मेरे को। जी इस टाइम पर हरियाणा की ब्रीड चैंपियन है ये, हाथी भिवानी मेले में फर्स्ट चैंपियन आई थी। जी 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 उसके बाद में कुरुक्षेत्र, करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर दादरी, फिर मुजफ्फरनगर, जी जी हर जगह इसने अपनी चीज करके दिखाई है जो मैं मान के लेके गया था। 51,000 रुपये इसने भिवानी से फर्स्ट टाइम लिया था, उसके बाद में 21,000 रुपये कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जी फिर इसने दादरी मेले में जी ब्रीड, पहले तो ड्राई में फर्स्ट प्राइज लिया, उसके बाद में ये ब्रीड चैंपियन बनी है अपनी हरियाणा कैटेगरी की। बाकी इसने दादरी मेले में ब्रीड चैंपियन का 2,50,000 रुपए कट्टर साहब से सम्मानित है। बछड़ी है जी, HLDB के H21 बुल की बछड़ी है जी ये, जी और ये 2.5 से 3 महीने के बीच में है। बाकी कहीं का भी हो, देखो लेने वाला अच्छा हो तो दे देंगे जी। संस्कार, हरियाणा परिवार से जुड़े सभी भाइयों को राज भाई की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार फिर वही छोटा सा प्रयास कि हर घर में देसी गौवंश हो, उसी मुहिम में पवन भाई साहब के पास पहुंचे आज। इनकी गौ माता आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 5 बार चैंपियन रह चुकी है और 2 बछिया इनके पास सेल के लिए उपलब्ध है। शानदार गोधन आप देख सकते हो। चलिए बाकी की डिटेल पवन भाई साहब से लेते हैं, बताइए भाई। संस्कार हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम भाई साहब, जय गौ माता, जय गोपाल जी, और राज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी यहाँ पधारने पे। जी जी और इसके बारे में राज भाई आप जानते भी होंगे, ये तो बहुत पहले से जी अपने पास चीज है जी। हरियाणा में लगातार इसने 5 या 6 बार मैं आज तक लेके गया हूँ इसको, जी इसने कभी खाली हाथ नहीं भेजा मेरे को। जी इस टाइम पर हरियाणा की ब्रीड चैंपियन है ये। जी 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 गौ माता स्टार्टिंग से बताइए, स्टार्टिंग से बताइए जी, कहाँ से ली थी आपने, कैसे? ये मेरी घर की है जी। जी मेरी घर की गाय की बछिया है जी, और ये फर्स्ट टाइम है जब 2 दांत थी भिवानी मेले में फर्स्ट चैंपियन आई थी। जी 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 उसके बाद में कुरुक्षेत्र, करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर दादरी, फिर मुजफ्फरनगर, जी जी हर जगह इसने अपनी चीज करके दिखाई है जो मैं मान के लेके गया था। जी 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 इस बार ये थोड़ा सा बीमार ज्यादा हो गई थी जी, अब ये थोड़ी सी रिकवरी पे, वरना मैं दिखाता आपको ये चीज तैयार क्या थी। जी भाई साहब जी अब तक की ब्रीड चैंपियन है, अब आगे कौन बने कौन नहीं वो अलग बात है। जी जी अब कौन से ब्यांत में, अब ये दूसरी बार बछिया को जन्म दिया जी इसने, 21 की बछिया को। जी 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 वो बछिया अंदर है आप देख लियो। जी 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 अब ये 21 से दोबारा प्रेग्नेंट है 1 महीने की। जी और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइमर ने 12 लीटर दूध मैंने मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका जी नपवाया है डॉक्टरों के सामने। सेकंड टाइम में अब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारणवश ये बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा जी, तो अब ये रिकवरी पे आई है। जी जी बहुत ज्यादा बीमार, इसकी हेल्थ एकदम डाउन चली गई थी जी भाई साहब, और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा तैयार थे जी। लगभग अगर इनाम की बात करूं तो क्या कुछ आपको दिलवा चुकी है गौ माता ये जी? वैसे तो जी इसकी कोई कीमत नहीं है जी जी, ना कोई इनामों के लिए मैं लेके जाता। जी जी बड़ी चीज है, भी मान सम्मान होता है। हाँ मान सम्मान है, उस चीज के लिए मैं लेके जाता हूँ जी। तो 51,000 रुपये इसने भिवानी से फर्स्ट टाइम लिया था, उसके बाद में 21,000 रुपये कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जी फिर इसने दादरी मेले में जी ब्रीड, पहले तो ड्राई में फर्स्ट प्राइज लिया, उसके बाद में ये ब्रीड चैंपियन बनी है अपनी हरियाणा कैटेगरी की। जी 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 उसके बाद मुजफ्फरनगर जी, अब देखो कोई आगे होगा तो इसकी तैयारी होगी तो मैं जरूर ले जाऊंगा भाई साहब। जी 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 ठीक है। बाकी इसने दादरी मेले में ब्रीड चैंपियन का 2,50,000 रुपए कट्टर साहब से सम्मानित है। जी 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 तो आप सेल परचेज करते हो या फिर? सेल परचेज के लिए और गौ है जी ये नहीं है। जी जी ना इसकी बछड़ी है। ब्रीडिंग पे भी कार्य करते हो आप? हाँ ब्रीडिंग पे मैंने इसी की बछड़ी तैयार करी है जी, दो जी, एक बछड़ी है जो अपनी बड़ी सिस्टर है उनके पास दे रखी है मैंने। जी जी एक इस टाइम जो बछड़ी है इसकी जी। ये देखे भाई दोस्तों कितनी शानदार बच्ची आप भाई साहब ने तैयार कर रखी है, वो आप देख सकते हो। तो बताइए भाई साहब बच्चे की डिटेल बताइए। ये बछड़ी है जी HLDB के H21 बुल की बछड़ी है जी ये। जी और ये 2.5 से 3 महीने के बीच में है जी। तो ये इसमें H21 के गुण ज्यादा है क्योंकि H21 का हल्का सा कंबल है और हल्की सी सुंडी है उसमें। जी 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 भाई साहब लेकिन इसकी माँ के अंदर तो नहीं है, कई लोग कह देते हैं हरियाणा में सुंडी होती नहीं भाई, होती है, दोनों से है जी मिथ। जी जी अब जब होती है तो वो HLDB में बुल, अगर नहीं होती तो वो रखते क्यों? जी भाई साहब सरकारी बुल है तो डॉक्टरों ने रखा है तो कोई जानबूझ के तो रखा है। जी जी कोई यू तो है नहीं कहीं उठा के यू छोड़ दिया और रख दिया हो। जी जी बाकी कई कहते हैं टाइम के साथ ये कम हो जाएगी जी, अभी तो बिल्कुल ही कम है लेकिन वो है
जी कई बार कहते हैं हेल्थ के हिसाब से भी हल्का सा आ जाता है नेवल फ्लैपर ये। जी जी भाई साहब, तो फीड प्लान और बताइए थोड़ा सा क्या। फीड प्लान कुछ नहीं है जी फिलहाल तो, इसका वही है एक हल्का सा नेस्ले का स्टार्टर है जी, और काफ है जो जी जी काफ ग्रोथ है, बड़ा काफ है जी, वो दे रहा हूँ मैं इसको जी। बाकी दूध पे डिपेंड है ये लगभग अब तो जी। ऐसी बच्ची अगर कोई भाई तैयार करना चाहता है उसे उनको क्या कहना चाहोगे? भाई अपने घर अच्छा गोवंश रखें, अच्छी ब्रीडिंग करवाएं जी, तो हर किसी के घर में हो जाएगी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है जी। हर किसी के घर में हो सकती है जी। बाकी लाड प्यार पर बात है जी, पशुओं का कोई कितना रखे कोई कितना जी जी जी। तो गौ माता रखनी चाहिए? मैं तो कहूंगा रखनी चाहिए, बाकी अपना अपना मित्र है जी जी इसी का जी जी। अभी एक तो घर में होनी जरूरी है जी, हमारी संस्कृति के हिसाब से जी जी जी, एक तो होनी भी चाहिए जी। और करैक्टर की बात करें तो अगर कोई भाई गौ माता लेना चाहता है तो करैक्टर क्या कुछ देखने चाहिए गौ माता के अंदर, और थोड़ा सा करैक्टर बताइए। देखो जी हर किसी का अपना अलग है, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं हमारे से तो जी, हर किसी का हरियाणा के अंदर तो जो होने चाहिए वो यही है भाई जी, पांव पतले होने चाहिए, पूंछ पतली हो, माथे में पोल हो जी, अंप का साइज पतला हो अच्छा हो, थर पार्कर में मोटा होता है छोटा होता है जी जी, थर पार्कर की लगभग बॉडी की मोटाई ज्यादा होती है जी, हरियाणा का शरीर पतला होता है जी जी जी। तो बाकी सबका अपना अपना है जी, कोई सुंडी कह देता है कोई ना भी कह देता है जी जी जी, दोनों सी बात है जी जी भाई साहब। बाकी जो भी है गौ माता रखो अच्छी रखो जी, अपना ब्रीडिंग पे काम करो, किसी की हल्की फुल्की मिक्स है वो भी ब्रीडिंग से सेट हो जाती है दो या तीन बार में जी, अच्छी बछड़ी या बछड़ा दे देती है जी भाई साहब, रखनी चाहिए भाई जी, अच्छी चीज। और भी गोवंश अपने पास बताए, इनकी डिटेल और बताए। तो राज भाई ये बच्ची है एक अपने नॉन है, मैंने उनसे ली है जी, ये पीएच 21 से प्रेगनेंट है, 7 महीने की प्रेगनेंट है जी। ये जिस टाइम पे ली थी उस टाइम पे भी इसका बहुत कम था आकार, अभी ये थोड़ा बहुत ठीक हो गई है जी जी, शील शांत है, इसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी, 22 से 23 लीटर दूध इसकी माँ ने दिया है जी, शील शरीफ बहुत है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके नीचे से जी, जिस टाइम पे ये तैयार होगी अच्छी, मेरे हिसाब से अच्छी बनेगी बहुत ज्यादा जी जी, क्योंकि जी थनों की मोटाई, थनों के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ी है जी जी, बहुत बढ़िया तैयार होगी, शील बहुत है, बहुत शांत है जी। बाकी जो हरियाणा के अंदर करेक्टर होते हैं वो तो है इसमें सभी भाई जी जी, चलाकर दिखाई थोड़ा सा चलाकर और दिखाई। ये देखे दोस्तों कितना शानदार गोवंश है, एक से बढ़कर एक, वो आप देख सकते हो, बस बांध दीजिए। वैसे शांत है? हाँ बहुत शांत है जी, बहुत शांत है जी, बांध दीजिए। इसके बारे में और बताए। ये बछड़ी मैंने ली थी एक भाई से, यूपी की बछड़ी है ये जी, 301 की जी जी, अभी ये 1.5 साल 1.5 साल के बीच में है जी, इसकी माँ हिसार फार्म की है जी, उन्होंने छुटाई थी जी ऑक्शन पे बोली पे जी जी, उसके नीचे बछड़ी थी, अभी दोबारा बच्चे जन्म देने वाली हो, शायद दे भी दिया हो जी, मैंने जब जिस टाइम पे ली थी उस टाइम पे नहीं दिया, बहुत छोटी ली थी जी जी। बछड़ी शांत स्वभाव की, बहुत अच्छी बनेगी नीचे से जी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे से बहुत टॉप की है बछड़ी जी। ये देखिए, बताए भाई साहब। तो इस टाइम तो देखो मैं लेके तो आया था एक बार ब्रीडिंग के लिए जी, बट अगर कोई अच्छा हो तो मैं परचेज कर दूंगा ये जी जी, लेने वाला। बछड़ी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज है, ओल्ड ब्लड लाइन सी लग रही है जी जी, इसकी माँ है वो फार्म की है जी, पिता इसका टिप्पी 301 है जी, 1.5 साल के करीब ये बछड़ी है, नीचे से बहुत ही बढ़िया जी, बहुत उम्दा बछड़ी है जी, शांत शरीफ शील बहुत ज्यादा है जी जी। तो कहाँ कहाँ के मतलब संपर्क कर सकते हैं आप, आपसे फोन तो बहुत आते हैं भाई जी, लोगों के जो अच्छे लेने वाले हैं चाहने वाले हैं लगभग फोन आ जाते हैं जी, बाकी कहीं का भी हो देखो लेने वाला अच्छा हो तो दे देंगे जी जी जी। ठीक है, अच्छी ब्रीडिंग करने वाला होना चाहिए, अच्छा केयर करने वाला होना चाहिए। अभी मैंने एक साहीवाल दी थी पीछे जी जी, 1,60,000 रुपए की जी, अपने अजीज भाई हैं सुमित जी जी, बिश्नोई बड़ोपड़ से जी जी, उनको दिए मैंने जी जी, बहुत अच्छी थी, बादल बुल का सेट सीमन रखवाया था, करनाल से ली थी मैंने। क्या कुछ रिकॉर्ड था?
रिकॉर्ड 14800 था उसका जी। अच्छा, वो भी लगातार 3 बार चैंपियन थी मेले की, उसकी फोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, अच्छा, अभी पीछे 2 दिन पहले मैंने साहिवाल ले रखी थी जी, जी जी, अभी वो सेल की है मैंने फरीदाबाद जी, एक भाई यहाँ अशोक गुर्जर है उनको दी है जी, बहुत ही अच्छी थी, उनके नीचे साहिवाल की बच्चियाँ थी जी 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 जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर और बताइए अपना। कॉन्टेक्ट नंबर है जी मेरा 9827-52229 जी जी जी। और गौ माता के लिए क्या कुछ कर रहे हो, आपने बुल भी एक छोड़ रखा गांव के अंदर। हाँ, मैंने एक हरियाणा का बहुत अच्छा बुल छोड़ रखा जी, शंभू जी, बुल आपने बहुत देखे होंगे, पर मैं आपको दिखाऊंगा, इस टाइम पे वो आया नहीं है यहाँ जी। हाइट वेट लेंथ बॉडी जो करेक्टर हरियाणा में होने चाहिए, जो मैंने सुना है लोगों से देखा है, बुल भी बतेरे देखे हैं जी, और वो अव्वल चीज है जी बहुत ज्यादा। उसका एक बेटा है जी जी, मेरे भतीजे के पास में है जी जी, 1.5 साल का है ये जी जी, मेरा ही दिया हुआ है, आपको दिखा दूं मैं आज, इसका नाम भी जी। छोटा जी, बहुत ज्यादा शील है, और हरियाणा के जो करेक्टर होने चाहिए जी वो सभी है जी इसमें जी जी। और इसका बाप मैं आपको दिखाऊंगा जी, ये हल्का सा थोड़ा सा थका हुआ लग रहा होगा जी जी, लेकिन इसके करेक्टर बहुत ज्यादा अव्वल है जी जी। जो टेस्टिकलों का साइज जो मैंने देखा है लोगों को वहां पे जो बनाते हैं, जो नहीं, इसके नेचुरल इतने जबरदस्त हैं जी, जिस टाइम पे ये तैयार हुआ ना जी जी जी, उस टाइम पे ये भी बहुत एक चीज निखर के आनी है जी। ये मैंने मेरे भतीजे को दिया हुआ है जी, का नाम शांत है जी, ये बहुत ज्यादा गौ प्रेमी है जी जी जी, इसको बड़ा चाव है। तो ये किस पर्पज से रखा आपने, ब्रीडिंग के लिए रखा है? ये मैंने दिया तो इसको ब्रीडिंग के लिए ही है जी, इसको तैयार करना था ये जी, अभी इसकी मर्जी है तैयार करे या फिर मैं वापसी लूं जी जी। बाकी बहुत उम्दा चीज है, इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी, इसी के पास थी जी जी, तो उसके ऊपर मैंने करवाई थी ब्रीडिंग जो मेरा बुल था जी, तो उससे ये रिजल्ट आया है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। अगर किसी भाई को ब्रीडिंग के लिए बुल चाहिए तो भी आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए? हाँ, एक दो भाई हैं जिनके पास में जानकारी है जो अच्छे बुल रखते हैं जी, या फिर अगर मैं ये बछड़ा ही सेल करना चाहूँ तो जी कर देंगे जी जी जी। तो आखिरकार बुल के अंदर क्या कुछ क्रैकर देखने चाहिए? सबका अपना अलग मिथ है जी, किसी का कुछ है, बाकी जो करेक्टर होने चाहिए, जो पूछ के है जी, जो इसकी मतलब माथा है, चौड़ाई है, हम्प है जी, मेन होता है कि टेस्टिकल देखते हैं लोग, टेस्टिकल से पता लगता है, वो लोगों का मन है जी, रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए मेन चीज, कुटा जो है वो बहुत ही मतलब कारीगर चीज है जी, वो जी मेरी गाय के है, उसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी, 18 का रिकॉर्ड है उसकी माँ का जी, उस बुल का ये बच्चा है जी, और इसकी माँ का खुद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी जी जी, इसी के पास थी जी, अब तो उसकी डेथ हो गई है जी, 14-15 लीटर उसने आम चराई में जी दूध दिया है जी जी, 14-15 लीटर जी भाई। हाइट बहुत ज्यादा है इसके बाप की जी जी, बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत ही अच्छा बुल है, और इसकी हाइट भी उसी पे जानी है जी, इसकी माँ की भी हाइट कम नहीं थी जी, उसी पे जानी है सेम जी जी जी, बछड़ा 1.5 साल के करीब है ये जी, तो इसकी हाइट आप अंदाजा लगा सकते हो, 4 से ऊपर ही होगी जी, कम नहीं होगी, मेरी 6 से ऊपर हाइट है जी भाई साहब। तो कौन कौन सी गौ माता प्रोवाइड करवाते हो आप जी? ये पर साहिवाल, थारपारकर जी, हरियाणा तो अपनी है ही, राठी जी की करवा देते हैं, कोई अच्छा जानकार लेने वाला हो जी जी, तो जो अपने अजीज है उनके पास राठियां भी बहुत है, मैं लेके आता हूँ जी जी जी। वैसे वो राठी के अंदर लोग तो बड़े नाम लेते हैं जी, मैंने देखे भी एक बार, मैंने एक भाई को एक राठी दिलवाई थी, बहुत फ्रॉड लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बहुत तगड़े ब्रीडर मानते हैं अपने आप को जी, लेकिन उन्होंने बड़ी मतलब एक ऐसा झूठ बोल के मन मांगा रेट लेके जी वो गाय दी थी, पर वो नहीं निकली, पर उसमें थोड़ा सा मेरा ही नाम हुआ भाई, पवन से ली मैं, बोला भाई मैंने बता दिया था कि मैंने उसे ली है जी, मैंने फोन पे भी बात की, बाद में मुकर गए, बोला नहीं ऐसा नहीं था, तो वो काम नहीं है जी, जो जी। है सामने कह के दो जी, किसी को धोखे में मत रखो, कोई इतने पैसे बर्बाद करके कोई चीज ले रहा है तो उसको सॉलिड चीज दो जी भाई साहब जी, है ना जी, अपना कहना ये है जी। इस सब जानकारी के लिए पवन भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राज भाई आने के लिए और इतना टाइम देने के लिए जी। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल।